नमस्ते, मेरा नाम विजया छाजेड़ है, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरा नाम राहुल छाजेड़ है। मैंने आध्यात्म साधना केंद्र का ऑनलाइन प्रोग्राम्स ये लॉकडाउन के दौरान जो आ रहा था उसका मेरे को जानकारी मेरे रिलेटिव ने थी, तो उनका एक प्रोग्राम था डायबिटीज हराओ। तो मेरी मम्मी डायबिटीज से पीड़ित है, तो मैंने उनको ये ऑनलाइन कोर्स रजिस्टर करवाया। ये कोर्स 15 दिन का कोर्स है, जो 2 घंटे का कोर्स होता है डेली 15 दिन 6:30 से 8:30 तक, जिसमें मेडिटेशन करवाते, प्रैक्टिकल मेडिटेशन करवाते और योगासन करवाते। इसके अलावा हमको ये टीम ने गाइडेंस नेचुरोपैथी पे भी दिया, और इस सबसे मेरे मम्मी को काफी फर्क पड़ा है इन टर्म्स ऑफ ब्लड शुगर का लेवल्स जो है वो काफी कम हुआ है आफ्टर दिस कोर्स। इसमें जो उन्होंने गाइडेंस दिया खाने पीने का, जो डे टू डे एक्टिविटीज है एक्सरसाइजेस का या प्रेक्षा मेडिटेशन का, वो सब उन्होंने पालन किया है। और जिस वजह से अभी पहले जो उनकी शुगर थी 350-400 रहती थी, जिसमें वो इंसुलिन भी लेते थे 20 यूनिट्स, तो अभी घटकर इस कोर्स के बाद अराउंड 1 महीने के बाद 200 यूनिट्स पे आई है, लेकिन हमने इंसुलिन पूरी बंद कर दी है। और अभी हमारा नेक्स्ट गोल है कि ग्रेजुअली उनके गाइडेंस से टैबलेट्स जो चालू है अभी वो भी हमको टेपर करनी है। तो फिलहाल हम मम्मी को बहुत काफी फर्क पड़ा है, उसको थकान भी नहीं रहती अभी, जो पहले बहुत रहती थी क्योंकि शुगर लेवल्स हाई रहती थी। ये जो प्रेक्षा ध्यान मेडिटेशन ने भी उनको काफी फायदा दिया है, क्योंकि उनका जो एक्टिविटीज है ब्रेन जो है वो स्टेबल रहता है, वो लोग ध्यान रहते हैं, उनको अभी ज्यादा याद रहता है, तो ये भी फायदे इससे हुए हैं। सो ये जो कोर्स है मैं सजेस्ट करूंगा, जो भी डायबिटीज से पीड़ित है उसने ये कोर्स जरूर करना चाहिए, और नियमित पालन करने से बिना कोई डॉक्टर के इंटरवेंशन के वो खुद ही इनके आध्यात्म साधना केंद्र के गाइडेंस से उनके शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक बड़ी बात है आज के दिन में। और ये जो भी कोर्सेस है ये स्वयं वो लोग इतने गाइड करते हैं, पूरी टीम पूरा हर चीज गाइड करते हैं, और इंडिविजुअली वो लोग ध्यान देते हैं हर एक पार्टिसिपेंट का, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो भी पार्टिसिपेंट्स या जिसको भी लगता है कि डायबिटीज में पीड़ित हो और डायबिटीज लेवल्स नहीं कम हो रहे, उन्होंने ये कोर्स जरूर जरूर करना चाहिए। थैंक यू।